ऑलराइट गाइस, पोलर ऐप का कुछ सीक्रेट ट्रिक जिसके मदद से आप लोग कुछ इस तरीके का जोकर वाला फोटो एडिटिंग बहुत ही इजीली कर पाओगे। गाइस, इस फोटो के अंदर मैं बैकग्राउंड चेंज किया हूँ, कैसे किया हूँ सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सिखाऊंगा। वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो, पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दो। सो गाइस, चलिए आज के कमल की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, सबसे पहले फोटो का जो बैकग्राउंड है इसे इरेज करना है एंड बैकग्राउंड को चेंज करना है। गाइस, बैकग्राउंड चेंज करने का बहुत सारा ऐप आप लोगों को मिल जाता है, जैसे कि स्नैपसीड, पिक्सार्ट, ऑटोडेस्क स्केचबुक। लेकिन गाइस, मैं जो ये ऐप है ये सारे ऐप को यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि गाइस मेरे पास एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके मदद से आप लोग वन क्लिक में प्रोफेशनल तरीके से बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो एंड वन क्लिक में बैकग्राउंड कट हो जाता है। गाइस, ऐप का नाम है फोटो रूम एंड इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक पर मिल जाएगा, आप लोग बहुत ईजिली डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। ठीक है, सो गाइस मैं सिंपली फोटो रूम एप्लीकेशन के अंदर फोटो को शेयर कर लूंगा एंड शेयर करने के बाद 2-3 सेकंड का टाइम लेगा एंड ऑटोमेटिक बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा। ठीक है, सो गाइस यहां पर डाटा कनेक्शन ऑन रखना है, नहीं तो आपका जो बैकग्राउंड है इरेज नहीं होगा। ठीक है, सो यहां पर मेरा नेट बहुत ही ज्यादा स्लो है, मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं एंड बैकग्राउंड को इरेज करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूं। ठीक है गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो बैकग्राउंड कार्ड हो चुका है एंड यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोग पीएनजी में सेव करना चाहते हो तो गाइस इस वाले ऑप्शन के अंदर प्रेस करके आप लोग सेव कर सकते हो। मैं यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज करूँगा, इसके लिए मैं पहला वाला जो यहाँ पर ऑप्शन है यानी पीएनजी है इसके अंदर प्रेस करूँगा। प्रेस करने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर बैकग्राउंड नाम का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इसके अंदर प्रेस करना है और यहाँ पर आप लोगों को चेंज बैकग्राउंड पर टैप करना है। ठीक है, टैप करने के बाद गाइस आप लोगों को माई फोटोज पर टैप करके बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। गाइस, इस वाले बैकग्राउंड का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को, सब कुछ मैं कंप्लीट करके रखा हूँ, आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर मॉडल को लगाना है एंड आपका जो फोटो है रेडी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बैकग्राउंड कट हो चुका है एंड बैकग्राउंड चेंज फोटो एडिटिंग हो चुका है। ठीक है, सो इसको मैं सिंपली सेव कर लूँगा एंड सेव करने के बाद गाइस मैं पोलर एप्लीकेशन के अंदर शेयर कर लूँगा। गाइस, वहाँ पर हम लोग करेंगे फाइनल कलर रिडक्शन एंड वहाँ पर मैं कुछ सीक्रेट ट्रिक बताऊँगा जिसके मदद से आप लोग रियलिस्टिक लुक दे सकते हो फोटो के अंदर। ठीक है, सो गाइस चलिए पोलर एप्लीकेशन के अंदर। गाइस, आप लोग देख सकते हो मैं पोलर एप्लीकेशन के अंदर फोटो को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद गाइस आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, आप लोगों को सिंपली ऑल टूल्स पर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे टूल्स वगैरह ओपन हो जाएगा, आप लोगों को सबसे पहले लाइट को एडजस्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर एक्सपोजर को थोड़ा सा हाई करूँगा। ठीक है, हाई करने के बाद गाइस आप लोगों को कॉन्ट्रास्ट को हाई कर देना है और उसके बाद हाईलाइट को माइनस की तरफ एंड शेडो को हाई और यहाँ से व्हाइट को माइनस की तरफ ब्लैक को हाई। ठीक है, फोटो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। यहाँ पर ऑटो वाला ऑप्शन भी मिल जाता है, इसके अंदर टैप करके आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, जैसे कि मेरा जो फोटो है अच्छा लग रहा है। अगर आपका नहीं लग रहा है तो इसे मत यूज़ कीजिएगा, अगर अच्छा लग रहा है तो यूज़ कीजिएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट चला जाऊँगा HSL वाले ऑप्शन के अंदर और यहाँ से गाइस मैं सबसे पहले सिलेक्ट कर लूँगा ब्लू कलर एंड ब्लू कलर का जो सेचुरेशन है इसको मैं हाई कर दूंगा। हाई करने के बाद गई सब लोगों को शाइनी कलर को सिलेक्ट करके सेचुरेशन को फुल्ली हाई कर देना है और उसके बाद गई सब लोगों को रेड कलर को सिलेक्ट करके सेचुरेशन को थोड़ा सा हाई करना है। ठीक है, और उसके बाद लेमुलेशन को भी हाई कर देना है एंड यहाँ से ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करके जो यहाँ पर लेमुलेशन है इसको हाई कर देना है, फेस गोरा हो जाएगा एंड यहाँ से सेचुरेशन को माइनस की तरफ करना है। अब गई फोटो के अंदर हम लोग डिटेल्स डालेंगे, इसके लिए गई सब लोगों को डिटेल्स पर जाना है और यहाँ से गाइस सब लोगों को क्लैरिटी को हाई कर देना है और उसके बाद गाइस सब लोगों को शार्पनेस को हाई कर देना है। ठीक है, हाई करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर बिगनेट वाले ऑप्शन के अंदर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद जो बिगनेट है इसको थोड़ा सा माइनस की तरफ कर देना है। ठीक है, करने के बाद गाइस सब लोगों को फाइनल कलर रिडक्शन करना है जो कि है व्हाइट बैलेंस। व्हाइट बैलेंस के अंदर आप लोगों को प्रेस करना है यानी कलर वाले ऑप्शन और उसके बाद व्हाइट बैलेंस आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ से आप लोगों को व्हाइट बैलेंस को थोड़ा सा माइनस की तरफ कर दीजिए या प्लस की तरफ आपके फोटो के मुताबिक से। ठीक है, मैं प्लस की तरफ कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद टिल्ट को मैं हाई कर दूंगा। हाई करने के बाद यहाँ पर सॉरी यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, मैं माइनस की तरफ ही करता हूँ। ठीक है, करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर कलर रिडक्शन हो चुका है गाइस। यहाँ पर आप लोगों को राइट क्लिक करना है। करने के बाद गाइस आप लोग आप देख सकते हो फोटो के अंदर कितना मस्त लुक आ चुका है। ठीक है, आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो QR कोड के ऊपर होने वाला है, वीडियो को जरूर शेयर करना एंड वायरल करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही था, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।